तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग गल्फ मुल्क में जॉब करते हैं, अरब मुल्क में जॉब करते हैं, और लोग इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, और वो लोग जब भी आते हैं अपने देश से, अपने कंट्री से, तो वो लोग अक्सर, हमने देखा है बहुत ऐसे लोगों को कि जो लोग खैनी लेकर आते हैं, खैनी तंबाकू लेकर आते हैं, अपने बैग में रख लेते हैं, दवा लेकर आते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग दूसरे का भी दवा लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा गलती अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग भी फंस सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस शेयर से हो सकता है किसी गरीब आदमी का, जाहिर सी बात है जो लोग भी गल्फ मुल्क में हम लोग काम करते हैं तो गरीब ही है। अगर हम लोग अमीर रहते, अगर हमारे पास बड़ा कोई बिजनेस रहता, पैसा रहता, तो हम लोग गल्फ मुल्क में अपने फैमिली को छोड़ करके, अपने गाँव को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके नहीं आकर काम करते। तो जो लोग भी गल्फ मुल्क में आते हैं, अरब आते हैं, वो लोग तो खैनी लेकर आते हैं मेरे भाई। तो इतना ज्यादा क्वांटिटी में कभी कभी लोग खैनी लेकर चले आते हैं कि वो एयरपोर्ट पे स्कैनिंग के टाइम पे पकड़ा जाते हैं। पकड़ जाने के बाद वो लोग बुरी तरीके से फंस जाते हैं। मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो दो दो किलो, एक एक किलो खैनी लेकर आते हैं, सोचते हैं कि 2 साल 3 साल हम इसमें गुजार देंगे। ऐसा गलती कभी मत करना, खास करके अगर आप लोग सऊदी अरब में आज के डेट में आ रहे हैं। तो सऊदी अरब में आज के डेट में बहुत ऐसा कार्रवाई हो रहा है, यहाँ पे नशा मुक्त करके एक अभियान चलाया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी सऊदी अरब आने वाले हैं तो मैं बोलूंगा कि एक ठप्पी जो खैनी होता है ना, छोटा सा खैनी होता है, उतना भी लेकर मत आइएगा। और आप लोग आते हैं, अगर पकड़े जाने के बाद आपके साथ में बहुत बुरा हाल हो सकता है। और कोशिश कीजिएगा कि दवा लेकर बिल्कुल ना आए, किसी के भी दवा लेकर के मत आओ, क्योंकि दवा अगर लेकर आते हैं ना तो बहुत ऐसा दवा रहता है कि वो पता ही नहीं रहता है कि वो, हम लोग को लगता है कि भाई ये दवा है, लेकिन उस दवा के अंदर कौन सा ड्रग्स मिला हुआ है, उस दवा से क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। दवा अगर आप लेकर के आना चाहते हैं तो पर्सनली अपना लिए दवा आप ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका खुद का डॉक्टर का लिखा हुआ पेपर होना चाहिए। उसके बाद जो दवा लिए हैं जिस मेडिकल सेंटर से, उस मेडिकल सेंटर का स्लिप होना चाहिए। कोशिश करें कि दवा और खैनी, तंबाकू, सिगरेट ये बिल्कुल लेकर ना आए। अगर आते हैं आप लोग एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के बाद, अगर आप लोग आ रहे हैं अपने घर से, मुल्क से जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए, और यहाँ आने के बाद अगर आपको एयरपोर्ट पर पकड़ा जाए, आपको जेल हो सकता है, आपके ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई हो सकता है, आपका फैमिली पूरी तरीके से फंस सकता है। तो कोशिश करें किसी का दवा लेकर ना आए। अगर दवा लेकर किसी के आते हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि पेपर जो होता है ना, जिसपे डॉक्टर लिखता है कि ये दवा हम इस बंदे को अलाउ कर रहे हैं, वही दवा हो। जहां से भी आप दवा लेकर आते हैं उस दवा मेडिकल सेंटर से दवा का नाम का जो पर्ची होता है वो भी आपके साथ में होना चाहिए, और वो आपके नाम पे ही होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि पूरे गांव का, पूरे खानदान का या पूरे अपने रिलेटिव का दवा ले ले, पूरा बैग भर ले, तो एयरपोर्ट पे स्कैनिंग के टाइम पे अगर आप भी पकड़े जाएंगे तो आपके साथ में धोखा हो सकता है मेरे भाई। तो इस चीज से आप लोग ख्याल कीजिएगा, अगर आप लोग आते हैं तो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।